जो रिसेंटली जो एक बयान आया था, ख़ास करके ब्लॉक गांधरी में एक बयान आया था, हमने पूछा था हमारे चैनल पे ऑनलाइन, वो रिकॉर्ड है, एक नेता जो भाजपा की थी उन्होंने हमसे, हमने उनसे जब प्रश्न किया कि इस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लाल सिंह कहाँ पे हैं, तो उनका ये जवाब था कि बरसात में जो है कीड़े निकलते हैं और वो बरसात के बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो उस पर सर आपके कोई टिप्पणी? अगर भाजपा अपने आप को हाथी मानती है तो कभी कभी जो है हाथी को भी एक चींटी भी गिरा देते हैं। आपके कांग्रेस के कैंडिडेट एमपी, यहाँ से एमपी के जो लोकसभा सीट के हैं, संगलदान जाते हैं, गोल जाते हैं, किश्तवाड़ जाते हैं, पाडर जाते हैं, डोडा, भद्रवा, कोई जगह उन्होंने छोड़ी नहीं। सर ब्लॉक गांधरी के लोगों से क्या नाराजगी है, क्यों नहीं यहाँ पे कोई आए, क्या ये इन लोगों को समझते नहीं? ब्लॉक गांधरी की बात करें सर, कुछ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, माहौल जो अभी तक हमें फीका दिखाई दिया एज कम्पेयर टू दूसरी पार्टी, सर क्या कारण है कोई कांग्रेस पार्टी की यहाँ वो जो जो पब्लिक के साथ बड़ा दरबार लगता है वो अभी तक यहाँ देखने को नहीं मिला, इसका क्या? तो सर एक नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो कांग्रेस का इसमें क्या है कि अब की बार कितने पार? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल खंड मिठे लोग। तो दर्शकों हमारे साथ आप देख रहे हैं फ्रेम में इस समय मौजूद हैं, तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर रहमतुल्ला रुन्याल और साथ ही साथ कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तो उनसे आइए हम कुछ सवाल जवाब करेंगे क्योंकि लोकसभा इलेक्शन जो है सर पे है। तो रहमतुल्ला रुन्याल जी आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल खंड मिठे लोग। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो सर आप हमें, हम आपसे प्रश्न करेंगे, आप हमें उत्तर दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी जनता जो है जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगी, चैनल को सब्सक्राइब करेगी। तो सर आप हमें बताइए, खासकर जो डोडा कठुआ उधमपुर सीट है, यहाँ से जो है कांग्रेस इस समय जो है कहाँ पे खड़ी है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त कांग्रेस बहुत मजबूत है यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, खसूसी तौर पर चौधरी लाल सिंह जी इस मरतबा जो यहाँ से पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो उसके बाद जो है कांग्रेस दिन ब दिन यहाँ पर जो है मजबूत हुई है, और इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत भारी अक्सरियत से हमारे कैंडिडेट जो है इस सीट को जीतेंगे। ये मैं महज इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मैं चूँकि पार्टी का एक अदना सा वर्कर हूँ, बल्कि मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि पार्टी का तो वोट है ही, बाकी पार्टियां भी जो इंडिया अलायंस में जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है या पैंथर्स पार्टी है, तो वो सारे के सारे जो है इनकी हिमायत कर रहे हैं, और चौधरी साहब का एक अपनी भी एक छवि है, एक अपना इमेज है उनका बतौर मिनिस्टर या बतौर पार्लियामेंट मेंबर के, उनकी एक छवि बनी हुई है जो, तो उसकी वजह से जो है हम भारी अक्सरियत से जीते हैं। जी सर, तो सर एक और प्रश्न आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप कांग्रेस के यहाँ पे जो है सीनियर लीडर हैं, काफ़ी जो है जानते हैं, जामाहिर हैं, तो सर हम पूछना चाहते हैं, अभी जो रिसेंटली जो एक बयान आया था, ख़ास करके ब्लॉक गांधरी में एक बयान आया था, हमने पूछा था हमारे चैनल पे ऑनलाइन, वो रिकॉर्ड है, एक नेता जो भाजपा की थी उन्होंने हमसे, हमने उनसे जब प्रश्न किया कि इस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लाल सिंह कहाँ पर हैं, तो उनका ये जवाब था कि बरसात में जो है कीड़े निकलते हैं और वो बरसात के बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो उस पे सर आपके कोई टिप्पणी? अब देखिए उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं उस पर तो कोई ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर भाजपा अपने आप को हाथी मानती है तो कभी कभी जो है हाथी को भी एक चींटी भी गिरा देते हैं, ये भी आपने सुना होगा, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है कभी इतनी वो छोटी नहीं थी, कांग्रेस नेशनल पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है, ठीक है वक्ती तौर पर इस तरह की चीज़ें चलती हैं, लेकिन उनके जो सबसे बड़े लीडर हैं तो वो तो कब 2014 में नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, तो लेकिन अभी तक कांग्रेस ख़त्म नहीं हुई, और आप आइंदा देखेंगे कि कांग्रेस जो है मजबूत होगी, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो है सामने आ रही है। आपने ये देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी या उसके लीडर जो असल मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है या दीगर चीज़ें हैं,
तो उनको जो है वो छोड़ के वो मुद्दों को भटकाते हैं, उनका छोटा लीडर हो या उनका टॉप लीडर हो वो मुद्दों को भटकाते हैं। तो वो जो इस तरह की बातें ठीक है, वो कैसे उन्होंने कही क्या कहा तो ठीक है, ऐसा चले हम मान लेते हैं। तो उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि कभी कभी जो है हाथी अपनी मस्ती में चल रहा होता है और एक चींटी भी उसको जो है गिरा दे। जी जी सर। सर अगला प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके कांग्रेस के कैंडिडेट एमपी यहाँ से एमपी के जो लोकसभा सीट के हैं, संगलदान जाते हैं, गोल जाते हैं, किश्तवाड़ जाते हैं, पाडर जाते हैं, डोडा, भद्रवा, कोई जगह उन्होंने छोड़ी नहीं। सर ब्लॉक गांधी के लोगों से क्या नाराजगी है, क्यों नहीं यहाँ पे कोई आए, क्या ये इन लोगों को समझते नहीं? ऐसा नहीं होता है, देखिए ये पार्लियामेंट इलेक्शन है और इसमें शेड्यूल इतना टाइट होता है, तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि बहुत बड़े बड़े इलाके होते हैं तो वहाँ फिर कैंडिडेट को जाना पड़ता है। अब गोल वाले को राम बनाना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी पिछले दिनों उनकी रामबन में दो मरतबा आ गए, एक वर्कर्स मीटिंग हुई थी रामबन में कांग्रेस के वर्कर्स की, उसमें भी जो है वो आए, और उसके बाद पिछले दिनों रोड शो था। तो यहाँ से हमें कितना दूर है, 21 किलोमीटर यहाँ से हमें रामबन है, और यहाँ से लोग गए हुए थे, बहुत सारे लोग गए हुए थे। लेकिन हम कहेंगे कि गोल वाला वो रामबन आएगा तो गोल वाले के लिए रामबन आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कम अज़ कम इससे जो है 3 गुना या 4 गुना डिस्टेंस है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि भाई लाल सिंह नहीं है इस वक्त कांग्रेस का हर वर्कर जो है वो चौधरी लाल सिंह है। जी जी। तो सर आखिरी प्रश्न आपसे पूछेंगे हम, ब्लॉक गांधी की बात करें सर, कुछ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, माहौल जो अभी तक हमें फीका दिखाई दिया एज़ कम्पेयर टू दूसरी पार्टी, सर क्या कारण है कोई कांग्रेस पार्टी की यहाँ वो जो जो पब्लिक के साथ बड़ा दरबार लगता है वो अभी तक यहाँ देखने को नहीं मिला, इसका क्या क्या कारण है सर कि यहाँ पे बिल्कुल ढीला ढाला माहौल है? पहले तो मैं यहाँ से आपको एक काउंटर क्वेश्चन करूँगा कि आपने किस पार्टी का यहाँ बहुत बड़ा एक मेला देखा? छोटी छोटी मीटिंगें जो है हो रही है और वो सब पार्टियों की उसी लेवल पर हो रही हैं, वो चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या को यहाँ तो मेन जो है इस वक्त जो आमने सामने की टक्कर है वो भाजपा की और कांग्रेस की है, तो बाकी वाली पार्टियाँ जो है तो सबकी ही ये छोटी छोटी मीटिंगें जो हैं वो हो रही हैं। वो हमारी मीटिंग जो है वो कंगा में भी हुई, बातली में भी हुई, गांधी में भी हुई, कभी में भी हुई, भटनी की जो है वो कम से कम भटनी पंचायत में ही 3 जगह हुई, तो वो हमारी हो रही है। हमारे एक्स MLA अशोक डोगरा जी जो के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं PCC के, तो वो भी आए हुए थे, तो मीटिंगें हमारी हो रही हैं और हमारे वर्कर जो हैं गाँव में जो है फैले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो जो हमारे सर मिस्टर रहमतुल्ला रोनियाल कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनकी बातें, उनका जवाब आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके हमें प्यार भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।